नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में। देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने किस तरह से मूव किया, कौन कौन से सपोर्ट लेवल थे जो ब्रेक हुए और कौन से रेजिस्टेंस लेवल थे जहाँ से मार्केट ने जो है यू टर्न लिया, या कौन से ऐसे सपोर्ट थे, कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन थी जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा करूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, हम अपने चैनल पर ऐसे ही डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो है नॉलेज से भरी वीडियो लाते हैं। यहाँ पर डेली हम एनालिसिस करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज किस तरह से मूव हुई और कल एक्सपायरी डे है और कल एक्सपायरी डे में हम कौन कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पर ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए आज आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। जो मैंने चार्ट आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट किए थे वो चार्ट जो है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में आपकी मदद की होगी। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। फाइनली देखिए यहाँ पर हमने जो एनालिसिस करी थी तो वो एनालिसिस देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चली है, जिस तरह से हमने मार्केट को हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ये जो गैप हमारे पास था जहाँ से ये देखिए ये जो हमारे पास दिन है 5 फरवरी 2021, तो 5 फरवरी के दिन जो है बैंक निफ्टी यहाँ पर बाउंस बैक की थी। तो आज हमारे पास जो हमने कल वीडियो में एनालिसिस करके बताई थी वहाँ मैंने बताया था कि देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आकर गैप फिल कर सकती है और गैप फिल करने के बाद बाउंस बैक कर सकती है। जैसा कि हमने 2 बजे के बाद देखा कि यहाँ पर जो बाउंस बैक हुआ वो ऑलमोस्ट वहाँ पर 500 पॉइंट्स का वहाँ पर बाउंस बैक हुआ और वहाँ पर मैंने कुछ पोजीशन भी बनाई, चलिए वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम इसका बैंक निफ्टी का हाई लो देखेंगे। 36,226 यहाँ पर हाई लगा है और 35,429 यहाँ पर जो है लो लगा है। मोस्ट ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 800 पॉइंट्स की मूव हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर अपने एनालिसिस को यहाँ पर दोहराएंगे कि हमने जो एनालिसिस करी थी वो एनालिसिस क्या थी आखिर। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया हुआ था और दूसरा हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करके बताया हुआ था। अब देखिए अब चलते हैं हम यहाँ पर पीछे ट्रेंड लाइन पर। मैं जो मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी कि जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर हमको यहाँ पर जो है बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, जो भी करना है, मतलब इस ट्रेंड लाइन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी वो यही थी। अब चलिए मैं इसका डार्क कर लेता हूँ और डार्क करके आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग की है, ओपनिंग जैसे मैं इसको थोड़ा पहले सेट कर लेता हूँ, यहाँ देखिए अब बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग की है, ओपनिंग करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक। अब कल की अगर आप वीडियो जाकर देखेंगे तो कल की वीडियो मैंने आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पर बताया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार इस तरह नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट है इसके पास। देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर कट जाके देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेने के बाद यहां से ऊपर की तरफ निकलेगी। मींस आपने देखा यहां पर कि देखिए यहां से बाउंस बैक क्यों हुआ, यहां से बाउंस बैक हुआ देखिए जो हमने ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ करके रखी हुई है, एक तो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का यहां पर देखिए सपोर्ट था, दूसरा हमारे पास ये जो सपोर्ट है यहां से देखिए जहां हमारे पास जो रेंज बनी हुई है इसका जो लोअर सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के आसपास आकर देखिए बाउंस बैक हुआ। तो देखिए कल मैंने यहां पर अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताया था इसके बारे में, प्रॉपर एनालिसिस करके बताए थे कि हमको इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है और इस ट्रेंड लाइन के पास आते ही हमको यहाँ पर कोई अगर हैमर या फिर कोई रेंज बनती हुई देखे तो हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे पैसे बनाए होंगे क्योंकि मैंने ये एनालिसिस आप लोगों को कल ही करके बताई थी कि एक बार नीचे की तरफ अगेन ऊपर की तरफ। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज तो जो हुआ, चलिए आपने जो प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, जो भी किया होगा, मीन्स अब हम देखते हैं कि कल के लिए हम अपना कल कैसे सुधार सकते हैं, कल अपना इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रेड ले सकते हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनली देखिए अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बिल्कुल फिलहाल का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ये लेवल है हमारे पास। मींस अगर इस लेवल की हम बात करें तो लेवल हमारे पास 36,050 का लेवल है। अब यहाँ से मे भी देखिए अगर कल गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता ओपन होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये एक लेवल होगा जो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। यहाँ से जाने के बाद मे भी एक बार बैंक निफ्टी में रिवर्सल आएगी, 100 पॉइंट्स की आ जाए, 50 पॉइंट्स की आ जाए, मीन्स यहाँ पर 36,050 का लेवल है तो मे भी देखिए यहाँ पर 35,850 के आसपास यहाँ पर घूमकर अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरह से हो सकता है। मे भी देखिए यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक बार यहाँ नीचे की तरफ आएगा, अगेन ये ब्रेक करने के बाद यहाँ सपोर्ट लेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर इस लेवल को जाकर टेस्ट करेगा। मीन्स ये जो लेवल हमारे पास है
ये लेवल हमारे लिए अब जो है रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ से रिवर्स हो चुकी है मार्केट, दो बार यहाँ से रिवर्स हो चुकी है मार्केट, अब जब तीसरी बार यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी तो यहाँ पर भी आपको इस टाइम भी सेल के लिए ही देखना है। क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पर देखिए सेल के लिए कब देखना है, जब वहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बने, कोई डोजी कैंडल बने, कोई वहाँ पर जाकर कोई रेंज बनने लग जाए, रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर सेल करना है। बट अगर अगर बिल्कुल देखिए फुल फ्लैश अगर बड़ी कैंडल यहाँ पर कोई ब्रेकआउट करती है तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे और यहां पर एक नया हाई लगते हुए देखेंगे। तो ये देखिए ये मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके बता दी है। अब देखिए अब मैं दूसरा मैं आपको बताता हूं गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। अब देखिए जो यहां पर क्लोजिंग आई वो 35,900 पे क्लोजिंग है। अगर मान लीजिए कल यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए अगर हमको यहां बैंक निफ्टी अगेन इस लेवल पर मिलता है, ये जो लेवल है देखिए फिलहाल हमारे पास अभी एक हमारे पास यहां बॉटम मिला हुआ है, अगर अगेन दोबारा इस लेवल के आसपास मिलता है तो हमारे पास ये डबल बॉटम का फॉर्म ये तैयार हो जाएगा और यहां से हम बाइंग कर सकते हैं। मीन्स अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस लेवल के आसपास मिलती है तो यहां से बाइंग करना है और यहां पे जो है हमको सेलिंग के लिए देखना है। हाँ बट यहां पर अगर फुल फ्लैश में अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है और ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट की कैंडल के ऊपर हमको वहां पर बाइंग करनी है। देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर 35,400 की कॉल राइट पुट राइट कर सकते हैं यहां पर अगर आप ऑप्शन राइटर हैं, या फिर अगर आप यहां पर इस लेवल पर आपको मिलता है तो यहां 35,500 की कॉल बाय कर सकते हैं। देखिए यहां पर एटीएम में काम करिएगा, ना तो आपको आईटीएम में जाने की जरूरत है ना तो आपको ओटीएम में जाने की जरूरत है। देखिए एटीएम में काम करना अच्छा रहता है एक्सपायरी डे वाले दिन, उसमें दिन देखिए क्या होता है एक्सपायरी डे वाले दिन जो है प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है। मींस वहां पर जो टाइम इफेक्ट चलता है वो टाइम जो है मतलब जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम गलता जाएगा। सो मैं आप लोगों को एटीएम में काम करने की सलाह दूंगा। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट में और निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये चार्ट मैंने शायद आप लोगों को पहले पोस्ट करके दिया था और यहाँ पर देखिए बताया था कि मतलब परसों शायद ये मैंने आपको दिया था कि यहाँ से एक बार नीचे आने के बाद अगेन ऊपर के लेवल पर टेस्ट करेगी और नीचे की तरफ आएगी। और देखिए सेम उसी तरह से हुआ है, मतलब देखिए यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, इसने टेस्ट करने के बाद देखिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आने के बाद अगेन ऊपर की तरफ। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करके हम यहाँ पर चलेंगे पहले वनडे के चार्ट में और वनडे के चार्ट में देखेंगे किस तरह से यहां पर इसने जो है बिहेव किया है निफ्टी के चार्ट ने। तो निफ्टी के फाइनली हम देखिए वनडे के चार्ट में आ गए हैं। अब ये जो एरो लगी हुई है ऊपर की इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए अब जो हमारे पास यहां पर जो गैप था हमारे पास देखिए 5 तारीख को यहां पर 8 तारीख को यहां पर एक गैप अप ओपनिंग यहां पर हुई थी और फाइनली आज वो गैप हमारे पास फिल हो चुका है। कल भी हमने यही चर्चा की थी कि यहां से देखिए गैप फिल होने के बाद जो है निफ्टी अगेन यहां पर ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो यहां पर देखिए जो यहां पर हाई लगा है वो 15,170 के आसपास लगा है और जो लो लगा है वो 14,977 के आसपास लगा है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और यहां पर भी एनालिसिस कर लेते हैं कि कल एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे में हम यहां पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली देखिए आज क्या हुआ पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आज देखिए ये हमारे पास जो पहली कैंडल है, ये जो हमारे रेड कलर की पहली कैंडल मिली हुई है, तो ये हमारे पास पहली कैंडल है ये रेड कलर की। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसने अपना डे लो ब्रेक किया, डे लो ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो मैं ये लाइन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन लगी हुई है ये लाइन, चलिए पहले मैं ये ऊपर की ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ, चलिए रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था। देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुई थी, ये देखिए जो गैप अप ओपन हुई थी मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, 8 तारीख का डेट था, 8 तारीख को यहाँ पर जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग 14,940 के आसपास थी और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग जो हुई थी वो 15,060 के आसपास हुई थी। तो ये गैप की हम कल बात कर रहे थे कि यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक करता है कौन सा लेवल, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को कल ही ये चीज़ बताई थी कि फिलहाल के लिए अभी हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है, ये जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, जहां से एक बार यहां बाउंस बैक हुआ है, एक बार यहां बाउंस बैक हुआ है और ये तीसरी बार कल हमारे पास यहां पर निफ्टी की ये कैंडल क्लोज पड़ी हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं तो मे बी हम यहां पर अपना गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं और गैप फिल करने के बाद हम अगेन यहां से बाउंस बैक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, यहां पर बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आई, इसने अपना गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अब देखिए मैं ट्रेंड डिलीट कर देता हूं यहां पर जो मैंने चैनल बना के रखा हुआ है, सो आप लोगों को चार्ट जो है थोड़ा अच्छे से यहां पर दिखाई दे। अब मैं ये चीज भी डिलीट कर दूंगा और आप लोगों को अच्छी चीजें जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर देखिए अब कल के लिए हम यहां पर किस तरह से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कहां पर हमकी ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीजें हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए चलिए पहले ये जो है लाइन जो हमने यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है इसको हम जो है एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए एक अपने पास रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस के अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जो कि पैटर्न एक बहुत ज़बरदस्त चलता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक W पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न। अब मे भी देखिए W पैटर्न का टारगेट क्या होता है, इस जहाँ से इसने अपना W बनाना स्टार्ट किया है, मीन्स देखिए इसने यहाँ से अपना W बनाना स्टार्ट किया है और यहीं तक का इसका टारगेट होगा। मीन्स हम कल ये टारगेट देख सकते हैं, कल अगर देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर आपको बताऊँगा। अब देखिए कल अगर हम ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो गए, मैं यहाँ पर क्लोजिंग को
प्राइस को ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। कल देखिए अब इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, 15,150 के ऊपर अगर हमने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी तो हमारा टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा 15,250 का। मीन्स हमारे पास यहाँ पर 100 पॉइंट्स का गैप है, यहाँ पर 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं क्लियर कट। देखिए चीज़ें ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं अगेन जो है मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से जब निकलेगा 15,000, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए यहाँ रेंज बने, रेंज ब्रेक होते ही आपने यहाँ पर बाइंग करनी है, चाहे यहाँ पर अपने पुट राइटिंग करनी है चाहे कॉल बाइंग करनी है। और यहाँ से देखिए टारगेट हमारा ये जो अपना यहाँ पर हाई लगा हुआ है, ये हाई है हमारा देखिए 15,250 के आसपास, तो ये हाई हमारा टारगेट होने वाला है। अब ध्यान रखिएगा इस हाई के आसपास जाकर एक बार सेलिंग के लिए हमको देखना है, मे बी यहाँ से सेलिंग आ सकती है। क्यों सेलिंग आ सकती है? क्योंकि फिलहाल हमारे पास अभी ये जो है बिल्कुल फ्रेश रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है और दूसरा रेजिस्टेंस जब हमको यहाँ पर मिलेगा तो मे बी यहाँ पर देखिए डबल टॉप टाइप का एक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होगा और वहाँ से कुछ गिरावट हमको जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो 50 पॉइंट से गिरावट क्यों ना हो, बट यहाँ से एक बार हम नीचे की तरफ आएंगे और इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आने के बाद जब अगेन हम इसको ब्रेक करेंगे, देखिए बाइंग उसी सिनेरियो में करना है जब कोई बड़ी कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, मतलब 15,250 का लेवल कोई बड़ी कैंडल आकर यहाँ पर ब्रेक करे और उस कैंडल के ऊपर जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पर हमको एंट्री लेनी है। अब देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह से ट्रेड करना वो चीज़ बताता हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे ट्रेंड लाइन को भी देख लेते हैं, तो ट्रेंड लाइन ने किस तरह से बिहेव किया है। ट्रेंड लाइन ने फाइनली देखिए ये कल ही हमारा सॉरी ब्रेक हो चुका था, तो अभी हमने देखा ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। देखिए यहाँ पर जब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो ये लेवल हमारा बाइंग लेवल है, ये हमारा लेवल सेलिंग लेवल है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें बता देता हूँ जैसे आपको जो करना है। इस लेवल के आसपास अगर मिलता है, मीन्स आपको अगर 14,980 से 15,000 के आसपास मिलता है तो हमने यहाँ पर बाइंग करनी है, 14,250 के आसपास हमने यहाँ पर सेलिंग करनी है। तो ये क्लियर कट मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है, अब कैसे क्या करना है वो आपने देखना है। बाकी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहूँगा, जैसे कि मैं आज भी अपडेट कर रहा था। देखिए आज मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की है, बट यहाँ पर जो है मतलब मैं कंटिन्यू आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट अपडेट कर रहा था। वहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ से बैंक निफ्टी या निफ्टी रिवर्स करने वाली है या फिर वो किसी सपोर्ट लेवल पर खड़ी है या वो किसी रेजिस्टेंस लेवल पर है या उसने किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूं। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये चार्ट का जो है यहां पर इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट देखिए आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं। अगर देखिए आप मान लीजिए कोई गलत एंट्री लेने जा रहे हैं तो वहां से आप वो चार्ट देखकर अलर्ट हो सकते हैं, या फिर आपने किसी पोजीशन बनाई हुई है, अब वो स्टॉक अभी समझ लीजिए वो इंडेक्स अभी रेजिस्टेंस के आसपास है तो वो चार्ट जब मैं पोस्ट करूँ तो आपको पता चलता है कि अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट कर लेना चाहिए। सो इस तरह से चार्ट हमारी जो है मदद करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय माता दी।